महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख एक नए मुद्दे में फंसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जी को अपराधियों के साथ देखा गया है, जिसका फोटो सामने आया है। और अपनी सफाई में अनिल देशमुख ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनसे मिलने वालों में कौन शामिल हो जाता है। इस रिपोर्ट में देखिए, महाराष्ट्र सरकार का सुर्खियों में रहना एक चलन सा बन गया है। मुद्दा चाहे जो भी हो, पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों से लेकर उद्धव ठाकरे तक के नाम उसमें शामिल पाए जाते हैं। और अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री सुर्खियों में आ गए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का एक फोटो सामने आया है, जिसमें औरंगाबाद की यात्रा के दौरान उनके साथ कथित रूप से कुछ अपराधी दिख रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर देशमुख ने नागपुर में कहा, मैंने पुलिस को निर्देश दिया है कि जो कोई भी ज्ञापन देने के लिए मुझसे मिलने आना चाहता है, पहले पुलिस उसकी पृष्ठभूमि की जांच करे। मैं आगे से लोगों से मिलने से पहले बहुत सतर्क रहूंगा। खबरों के मुताबिक तीन अपराधियों के खिलाफ बलात्कार और चोरी के आरोप हैं। देशमुख ने आगे कहा, मैं कुछ दिन पहले औरंगाबाद गया था। विश्राम गृह में हजारों लोग ज्ञापन लेकर मुझसे मिलने आए थे। जब ये भीड़ के साथ मिलने आते हैं तो हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आगे से निश्चित रूप से और सतर्क रहूंगा ताकि ऐसी घटना ना हो। अब अनिल देशमुख ने कितना सच सामने रखा है और कितना झूठ का रस मिलाकर पेश किया है, ये तो उद्धव ठाकरे की सरकार को ही खबर होगी। वैसे सवाल ये उठता है कि गृह मंत्री से मिलने के लिए तगड़ी सुरक्षा से होकर जाना पड़ता है, और इतनी तगड़ी सुरक्षा के बीच आम आदमी नहीं अपराधी नजर आए तो ये साफ हो जाता है कि कुछ तो झोल चालू है। पर उद्धव सरकार को धूल झोंकना काफी बेहतरीन तरीके से आता है, और अपने मंत्रियों को बचाने के लिए आगे रहने वाले उद्धव कई बड़े बड़े कारनामे करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री के पद पर विराजमान अनिल देशमुख से टाइट सिक्योरिटी के बीच कौन मिलने आता है, इसका पता खुद गृह मंत्री को ना हो, ये काफी उलझी हुई सी बात लगती है, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही कैपिटल टीवी के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।